नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 जुलाई 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन रविवार का दिन रहेगा, क्रिसमस की दशमी तिथि रहेगी और अश्विनी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो शुक्रमा नाम का शुभ योग रात्रि के 12:24 रहेगा, उसके उपरांत ही धृति नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों, दिन राहु काल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों यह समय आपको भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 5:32 से लेकर शाम के 7:12 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों, ये भी एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना टूटे मेरी वजह से, एक खुदा कर दे कुछ ऐसी इनायत मुझ पे कि खुशियां ही मिले सबको मेरी वजह से। कुछ अमल भी जरूरी है इबादत के बाद, सिर्फ सजबा करने से जन्नत नहीं मिलती। मेरी झोली में कुछ अल्फाज अपनी दुआओं के डाल दे दोस्त, क्या पता तेरे लब हिले और मेरी तकदीर संवर जाए। दोस्तों, इश्क और इबादत में इतना ही अंतर है, एक की याद तकलीफ देती है और दूसरे की याद तकलीफ में आती है। दोस्तों, मन से जो कहा जा सकता है वो शब्द में नहीं और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। दोस्तों, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, कुछ समय से जिन कार्यों के लिए आप प्रयास कर रहे थे, दोस्तों यश में उन कार्यों के पूर्ण होने की उचित समय आ गया है। दोस्तों, यश में आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु इसके लिए कर्म प्रधान होना जरूरी है। दोस्तों, आपको यश में अपने ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, इनसे दोस्तों आप सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम रहेंगे और अच्छी सफलताओं को, अच्छी कामयाबी को यश में हासिल कर वाले। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष संभाल कर इन्हें रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उन्हें खोने या फिर चोरी होने की आशंका लग रही है। आपको बता दें कि भावनाओं में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, कोई भी पेमेंट भी रुकने से आपके मन में कुछ परेशानी आ सकती है, तो दोस्तों इनसे आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपको किसी के भी द्वारा सहयोग न मिल पाने की वजह से उदासीनता का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि फिर भी आप खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखकर आत्मनिर्भर बनना आपको यश में सीखना होगा, ये आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय आपको बता दें कि दोस्तों आपने अपनी कार्य करने की प्रणाली में जो परिवर्तन किया है वो आपके लिए यश में लाभदायक रहेंगे और अधिकतर समय भारी गतिविधियों में भी आपका व्यतीत होगा। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को यश में आप संपन्न कर सकते हैं, अवश्य ही मन मुताबिक आपके कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में पुराने कुछ नकारात्मक बातें उठने से निकट संबंधियों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है, उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको शांति और धैर्य रखना समस्याओं को सुलझाएगा, समस्याओं का हल होगा। और इसको प्रांत दोस्तों, यश में आपको बता दें कि घर में जो सुधार संबंधी योजनाएं बन रही थी, दोस्तों अभी उन पर पुनर्विचार आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, तो दोस्तों इन पर आपको यश में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि घर में हो रहे विवादों की जानकारी बाहर के व्यक्तियों को देने से परहेज रखें। दोस्तों, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जरूरत से अधिक बात मित्रों के साथ बांटने की वजह से आपके बारे में उनकी राय यश में गलत बन रही है, इसलिए दोस्तों व्यक्ति को परख कर अपनी बातों को बताने की यश में आपको आवश्यकता होगी।
और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यीशु में कार्यों की अधिकता आपके ऊपर रहेगी और उन्हें एकाग्रचित होकर पूरा करने में का आपको यीशु में प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि इसके शुभ परिणाम आपको हासिल होंगे। कोई लाभदायक नृत्य की यात्रा भी यीशु में संभव होने वाली है। आपको बता दें कि यीशु में कोई भी कार्य करने से पहले अपना बजट का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आप इन पर ध्यान दें, इनसे आप आर्थिक दिक्कतों से बच पाएंगे। और साथ ही दोस्तों यीशु में कार्यों पर अधिक सोच विचार करने के बजाय आपको समय को व्यर्थ ना करके उन पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों यीशु में निकट संबंधी से खास होने से कुछ मन में परेशानी भी रह सकती है, जिसका नकारात्मक असर आपके कार्य क्षमता व फिर कार्य प्रणाली पर भी पड़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके यीशु में होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके सभी मनोकामनाएं यीशु में पूरी भी होंगी। अचानक से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। दोस्तों जो भी आप पहले कार्य किए थे उनका इसमें बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। व्यापार में इसमें बहुत बड़ा मुनाफा इसमें आपको मिलने वाली है। साथ ही बता दें कि युवाओं को अपने क्षेत्र में आसानी से यश की प्राप्ति भी होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आप लिए समय होंगे, आपको बता दें कि संतान की शिक्षा व फिर करियर से संबंधित चल रही किसी समस्या का समाधान भी मिलने से सुकून व फिर राहत मिलेगा और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान केंद्रित भी इससे कर पाएंगे। घर में धार्मिक कार्य भी संपन्न होने हेतु योजना भी बनेगी। समाज सेवी संस्था में भी आपका सहयोगात्मक योगदान रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में जो है वह की स्थितियां ज़्यादा बन रही है। अनावश्यक खर्चे पर आपको यश में नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी आपकी जल्दबाजी या फिर टोका टोकी घर के माहौल को अस्त व्यस्त रख सकती है। तो दोस्तों इन पर ध्यान दें, अपने इस स्वभाव को बदलने की यश में आपको आवश्यकता हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यीशु में वर्तमान समय में कार्य क्षेत्र में जो कार्य चल रहे हैं दोस्तों वे सुचारू रूप से ठीक समय पर संपन्न हो जाएंगे। सिर्फ अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। मीडिया तथा कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियाँ बन रही है, इनमें आपको अच्छी कामयाबी भी हासिल होंगी। नौकरी में टारगेट पूरा होने से बॉस व फिर अधिकारी भी इसमें आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको कोई अच्छी पद प्राप्ति की संभावना भी हो रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यवस्था बनी रहेगी। कर्मचारियों के काम लेते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि जरा सी लापरवाही नुकसानदेह आपके लिए रह सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी उनसे आपको काम है तो उनसे अपने मौने पर संयम रखकर ही उनसे बात करें, सलाह तरीके से ही बात करें। इनसे आप उनसे सलाह भी ले पाएंगे और उनसे संबंध भी आपका बेहतर रहेगा। नौकरी में भी किसी टारगेट को पूरा करने से आपका मान सम्मान और आपको तरक्की मिलने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके करियर के लिए जैसे होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में सभी निर्णय स्वयं ही लें। दूसरों पर आपको अधिक विश्वास में करना और सलाह लेना आपके लिए नुकसानदायक भी रह सकता है। इस बात पर भी आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत होगी। दोस्तों बता दें कि कारखाने व फिर मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक अनुबंध प्राप्त होंगे। ऑफिस में भी कारोबार की अधिकता रहने की वजह से आपको ओवर टाइम भी इसमें करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यीशु में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों से किसी प्रकार की बात बात की स्थिति भी उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि दोस्तों इसका नकारात्मक असर आपके कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। और यश में मीडिया व फिर फोन द्वारा आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पति पत्नी अपने अपने कार्य में यश में व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पाएंगे, परंतु दोस्तों एक दूसरे पर विश्वास व फिर आपसे समाज संबंधों को और अधिक मजबूत बनाकर रखेगा। तो दोस्तों इन पर आपको ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन साथी परिवेश में आपको विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों आपके जीवन साथी के लिए जिसमें होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि जीवन साथी व फिर पारिवारिक लोगों के साथ प्रेम जो है माधुरी बना रहेगा। प्रेम संबंधों में गुस्से की वजह से भावनात्मक दूरियां भी आ सकती है, तो इनका आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यवहार में कोमलता बनाकर रखें, ये आपके प्रेम जीवन के लिए इसमें बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जिसमें होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि घर परिवार में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें तथा अपने व्यवहार को सीमित रखें। कुछ समय बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में अवश्य व्यतीत करें, दोस्तों इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, तो इस पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए आपको कुछ समय परिवारजनों के साथ मनोरंजन व फिर इनके इनसे संबंधित कार्यों में समय को व्यतीत करना चाहिए। इससे दोस्तों पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा बना रहेगा, साथ ही आपसे संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी।
तो इन पर भी ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों स्वास्थ्य इसमें आपका ठीक रहेगा। कभी कभी अत्यधिक थकान की वजह से पैरों में दर्द हुआ, फिर थकान की स्थिति रह सकती है, तो दोस्तों इनसे आपको बचाव करना चाहिए। काम के साथ साथ आपको आराम भी इसमें करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपको बता दें कि वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षाओं के नियमों का पालन भी करना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि नकारात्मक विचारों की वजह से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है, स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों ये समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी, और भाग्यशाली अंक रहेगा 1।